أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد। मैंने चंद दिन पहले मैं समझता हूँ लगभग एक माह पहले ये बात आपसे कहा था कि इस्लाम के तआरुफ का एक सिलसिला जारी किया जाएगा। यानी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, एक तो यहाँ पर गैर मुस्लिमीन की आबादी बकसरत है, 80% आबादी गैर मुस्लिमीन की है, और सियासी नुक्ते नज़र से कुछ मुसलमानों के करीब हैं, कुछ मुसलमानों से दूर हैं। मजहबी तासुब की बात करते हैं तो कुछ इस्लाम को एक बेहतर मज़हब समझते हैं, कुछ इस्लाम से मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियाँ अपने अंदर रखते हैं। तो ऐसे में इस्लाम का तारुफ हर पहलू से कराना ये बहुत ज़रूरी है। तो बिइज़्निल्लाह ताला इस्लाम का जो तारुफ जो मेरी बिसात में है या मेरी ताकत में है, जिसे मैं मुमकिन समझता हूँ कि मैं उसे अंजाम दूँ, अल्लाह ताला की तौफीक, उसके फजल व करम और उसकी मदद से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। तो उसी की एक शिख है ये कि आज का जो मौजू है यानी इस्लाम की नशर व इशाअत और लोगों के कबूल इस्लाम का एक अजीम सबब मुसलमानों का दीन पर सब्र व सबात, इस मौजू का जो तारुफ है या इसका मफहूम है, इसकी वजाहत जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि दुनिया भर में हम आगाज़ से देखते हैं। मैं उस आगाज़ से बात नहीं कर रहा हूँ जो आदम से है अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और आप आखिरी रसूल खातमुन नबीयीन हैं। मैं उस दिन से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, गोया कि 1450 साल 1500 साल के आसपास की बात को, कि इस्लाम जो फैला है जिसे लोगों ने कबूल किया है, अरब की जो तहजीब है उन लोगों ने भी कबूल किया। अरब से जब बाहर इस्लाम निकला, मुल्क शाम, इराक, इधर नीचे यमन और फिर बाएं जानी मिस्र, लीबिया और आगे जजायर, यूँ समझ लीजिए कि अफ्रीका, और फिर यूरोपीय ममालिक, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, जापान में और हमारा ये अजीम मुल्क हिंदुस्तान में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यानी मतलब क्या बात है जो दुनिया भर के लोगों को ये चीज़ अपील करती है, इतनी कशिश है, इंसान को अपने अंदर ले लेती है, इंसान को मुतमईन कर देती है, और हर जगह का आदमी, हर मजहब का आदमी, हर सतह का आदमी, मर्द, औरत, बूढ़ा, सभी इस्लाम कबूल करते हैं। दीगर मजाहिब में वो बात नहीं है जो इस्लाम के मानने वालों में आपको दुनिया भर के लोग, हर जगह के लोग, और हमेशा से कभी ख़त्म होने वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या, इसके जो असबाब हैं मुतअद्दिद हैं, उनमें से एक अजीम सबब मुसलमानों के अखलाक हैं, मुसलमानों का दीन पर कायम रहना है, मुसलमानों का सब्र सबात है। यानी मुसलमान जो अल्लाह के दीन पर कायम हैं, सबात कदमी का जो मुजाहरा करते हैं बिइज़्निल्लाह, किसी भी तरह की आजमाइश आ जाए इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये भी एक अजीम सबब है जिसे गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है, मुझे ये बताना मकसूद है। ज़ाहिर बात है वो मैं कुछ बातें इस दरस में नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह मैं आने वाला चारशुमा तो हमारे पास एक मुस्तकिल दूसरा दरस होगा जो हमारे पास दौरा इल्मिया है सीरा नबविया पर, उसके बाद वाली चारशुमा बिइज़्निल्लाह ताला मैं जिक्र करूंगा, वो इसका दूसरा हिस्सा। तो मैं समझता हूँ आज के मौजू का बिल्कुल मफहूम है, वाज़ेह है कि अल्लाह सुबहान व तआला के इस दीन को जो लोगों ने कबूल किया उसके मुतअद्दिद असबाब हैं। एक अजीम सबब मुसलमानों का इस्लाम पर साबित कदम रहना, यानी गोया कि
साफ लफ्जों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबात कदमी भी किसी के कबूल इस्लाम का जरिया बनी है। ये आज का मौजू। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अल्लाह ताला ने जो दीन नाजिल किया है कुरान मजीद में अहादीस में, सबात कदमी पर बहुत कुछ कहा गया है, मुतालबा किया गया है कि हम अल्लाह के दीन पर कायम रहें। अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें अहादीस को पढ़ें तो सबात कदमी जो है इसका मुतालबा अल्लाह ताला ने सबों से किया है, सबों से बहैसत मुसलमान। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू, तो गोया कि वो है इखबार खबर है लेकिन मुतालबा है गोया कि वो कि अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहें। अल्लाह के दीन पर सबात कदमी का मुतालबा सबों से किया गया है लेकिन खुसूसन अहले इल्म से, खुसूसन अहले इल्म से, इसलिए कि हमारी सबात कदमी सिर्फ हमारी अपनी नहीं होती है, दूसरों के लिए भी वो एक एक अजीम सबब है सबात कदमी का। मैं इसको समझाता हूं आपको और आज का पूरा दर्श वही रहेगा कि सबात कदमी अहले इल्म के लिए कितनी जरूरी है। एक हदीस मुबारक मैं आपको सुनाता हूं कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की, सही बुखारी में तो कई जगह पर है, किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना सही बुखारी की आखिरी की किताबों में से है। उस किताब में यह हदीस मुबारक मौजूद है और सही मुस्लिम में किताबुल इमारा, मुगीरा बिन शोबा मारूफ सहाबी रजी अल्लाह अन 50 हिजरी में कूफा में इंतकाल हुआ उनका। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अनु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन, ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। इस हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत की एक जमात ताइफ़तुन, ताइफ़तुन खुद, अब जैसे हमने इसका तर्जुमा किया जमा, मेरी उम्मत की एक ताइफा नहीं कहा ना मैंने तर्जुमा में, क्या कहा मैंने एक जमात। अब मैं उस तफसीर में नहीं जाऊंगा, हम मौजू से निकल जाएंगे, बस आप अहले इल्म हैं तो मैं आपको इशारा कर दे रहा हूं कि ताइफ़तुन के माने जब हम कहते हैं कि एक जमात तो फिर जमातु नहीं कह देती, ला यज़ालु जमातुन मिन उम्मती ताइफ़तुन क्यों कहा गया, ताइफ़तुन किस तरह की जमात को कहते हैं वो आप मालूम करें बाद में, वो अब मैं कहूं तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, मौजू से खारिज हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन, मेरी उम्मत की एक जमात गालिब रहेगी कायम रहेगी हमेशा मुसलसल किसी भी तरह के हालात हों यहां तक कि कयामत वाक़ हो। अब गौर तलब बात क्या है कि ताइफ़तुन से मुराद कौन है, ला यज़ालु मिन उम्मती, ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ताइफ़तुन एक जमात, कौन है वो जमात, कौन है वो जमात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना में इस हदीस मुबारक को लाने से कबल जो बाब कायम किया है, बाब में रसूलुल्लाह का फरमान ही जारी किया है, बाब में उसके बाद कहा कि ताइफ़तुन से मुराद इमाम बुखारी ने कहा रहमतुल्लाह वहुम अहलुल इल्म, वो अहले इल्म होंगे। गौरतलब बात है कैसे मालूम हुआ इमाम बुखारी को रहमतुल्लाह कि वो अहलुल इल्म ही की जमात है, एक सवाल पैदा होगा ना हमारे दिलो दिमाग में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कैसे कहा ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती, मेरी उम्मत की एक जमात मुसलसल दीन पर कायम रहेगी सबात कदमी का मुजाहरा करेगी, उसे कोई जलील नहीं कर सकते, रुसवा नहीं कर सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसे मिटा नहीं सकते, उसे हिला नहीं सकते कोई, और वो अहलुल इल्म इमाम बुखारी ने कहा, कैसे मालूम हुआ इमाम बुखारी को रहमतुल्लाह, एक सवाल पैदा होता है ना हमारे दिलो दिमाग में। ये हदीस मुबारक सुनन तिर्मिजी में भी है अबवाबुल फितन में। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने के बाद नीचे लिखा कि समीअत मुहम्मद इब्न इस्माइल यकूल समीअत अली इब्न अल-मदीनी, कि मैं हमारे उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा और वो उनके उस्ताद अली इब्न अल-मदीनी रहमतुल्लाह बसरा के मारूफ जईद आलिमदीन मारूफ, मैंने इमाम बुखारी कहते कि मैं अली बिन अल-मदीनी रहमतुल्लाह से पूछा कि
ये जो जो है ना ताइफतुन, इससे मुराद कौन है? कहा कि हम अहलुल हदीस, अहलुल हदीस यानी अहलुल इल्म, अहलुल हदीस यानी अहलुल इल्म, लफ्ज बदल करके, लेकिन मकसूद कौन है? अहलुल इल्म, अल उलमा। इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम रहमहुल्लाह साहिबुल मुस्तदरक अल सहीहैन, उनकी एक किताब है मारिफतु उलूमिल हदीस, जो बिल्कुल आगाज में लिखी गई किताबों में से एक है, मारिफत उलूमुल हदीस, इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम की रहमहुल्लाह, 405 हिजरी से वफात है उनका। उस किताब का जो आगाज है मारिफत उलूमुल हदीस का, उन्होंने सबब बताया है कि मैंने किताब क्यों लिखा, हालात कैसे हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले कितने कम हैं, हक पर कायम रहने वाले कितने कम हैं, हदीस को उसकी सेहत पर, उसकी सेहत को बयान करते हुए, लिहाज करते हुए बयान करने वाले कितने लोग हैं, ऐसे कम कम हैं, ऐसे लोग मिटते जा रहे हैं, लोगों में ख्याल नहीं, लिहाज नहीं, इस वजह से मुझे ये किताब लिखना पड़ा कि अनवाउ उलूमुल हदीस क्या है बताने के लिए। तो वो एक जमात कायम रहेगी जो इस काम को अंजाम देगी, उसको उस सबब रब्त जोड़ा उन्होंने, ने सबब क्या है यानी हालात ऐसे हैं लेकिन देखो एक जमात कायम रहेगी ये बताने के लिए, जो मैंने अभी कलम उठाया है। तो उससे मुतालिक वो आसार आपने लिखे हैं जिसमें अल्लाह के रसूल की जो हदीस मुबारक है नहीं, ला यज़ालु ताइफ़तु मिन उम्मती, उस हदीस मुबारका को नकल करने के बाद इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से इमाम अहले सुन्ना अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का कौल नकल किया। जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि ताइफ़तुन से कौन मुराद है, तो आपने कहा इल्लम तकुन, इल्लम तकुन हाज़िही ताइफ़तुल मंसूरतु अस्हाबुल हदीस फला अदरी मन, अगर अस्हाबुल हदीस नहीं हो सकते इस ताइफा से मुराद, फिर कौन होगा मुझे नहीं मालूम। मतलब ये कि ये उसलूब बता रहा है कि यही अस्हाबुल हदीस, अहलुल हदीस, अहलुल इल्म एक ही बात है, अल उलमा। यहां तक तो बात वाजी हो गई। अब मुझे समझाना क्या है आपको कि कैसे मालूम हुआ कि इससे मुराद अहलुल इल्म, इससे मुराद अहलुल इल्म, ये कैसे मालूम हुआ? ये मालूम इस तरह से होता है कि ये जो हदीस मुबारक है ला यज़ालु ताइफ़तु मिन उम्मती, ये कामिल हदीस नहीं है, ये हदीस का एक शिक है, एक हदीस का एक टुकड़ा है, ये इस हदीस का और भी हिस्सा है, उस हिस्से के साथ इस हदीस को पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि पूरा मामला क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल एहतिसाब मिल किताबी व सुन्ना में इस हदीस मुबारका को दूसरी सनद से मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा से लेकर आए हैं, उसमें हदीस की सराहत है, वजाहत है कि इसका इसका सियाक क्या है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे थे मिंबर पर खड़े होकर के, और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर ही इस बात को बयान फरमाया, इसकी वजह सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम की किताब अल इमारा में। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु 60 हिजरी में इंतकाल हुआ आपका दिमश्क में, आपने दौरान खुतबा कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए कहा कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा अना कासिमुन व युतिल्लाहु। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ, किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसे दीन की फिक्र देते हैं। इस हदीस को सुनाने के बाद अल्लाह के रसूल ने इसी हदीस का एक और हिस्सा कि वलन यज़ाला, वलन यज़ाला अम्र हाज़िहिल उम्मति मुस्तकीमन हत्ता तकुम सा, इस उम्मत का मामला बराबर कायम रहेगा, यानी एक जमात बराबर हक पर कायम रहेगी यहां तक कि कयामत वाकई हो, कयामत वाकई हो जाए, यानी एक जमात इस्तिकामत के साथ दीन पर कायम रहेगी। इस हदीस को अल्लाह के रसूल ने उसके साथ जोड़ के बयान किया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, तफक्कु फिद्दीन को दीन मुसलमानों की एक जमात कायम रहेगी, दोनों को जोड़ करके बयान किया अल्लाह के रसूल ने। इससे इस्तदलाल किया इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह कि वहुम अहलुल इल्म, नुक्ता वाज़ेह हो आपको। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में इस हदीस की शराह करते हुए उनके जमाने के, यानी उनसे कुछ पहले के एक शारे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ अल किरमानी रहमहुल्लाह, सही बुखारी की शरह लिखी उन्होंने, मैंने हैदराबाद में देखा था उसको दक्कन में, लेकिन मैं खरीद नहीं सका, तो उसी का हवाला दिया इब्न हजर ने रहमहुल्लाह।
بالضبط یہی لفظ نہیں ہو سکتے لیکن مفہوم وہی ہے جو ابن حجر نے نقل کیا. کہا کہ من جملۃ الاستقامۃ ان یکون التفقہ لانه الاصل, کہ ایک جماعت جو قائم رہے گی نا ہمیشہ, کہا کہ من جملۃ الاستقامۃ ان یکون التفقہ, کہ وہ جو جماعت قائم رہے گی وہ جماعت ہوگی جن میں تفقہ ہو, دین میں فقہ ہو. دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے دو باتوں کو کیسے جوڑ کے بیان فرمایا. تو اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ہم اہل العلم, یہ بہت قابل غور بات ہے, اگر آپ اس باریکی کو سمجھیں تو بہت بہت دقیق بات ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا جو متن ہے نا عقیدہ طحاویہ, العقیدہ الطحاویہ جو متن ہے نا, اس کی جو مقبول ترین اور جنہوں نے حق ادا کیا شرح کرتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ, 8ویں صدی ہجری کا کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا, تو وہ شرح کے دوران قال اہل العلم کہنے کے بجائے قال اہل الاستقامہ کہتے ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ اہل بدعات کا ایک موقف نقل کرتے ہیں, جیسے ایمان کی تعریف میں اہل بدعات کا کیا موقف ہے, معتزلہ کی کیا تعریف ہے مثلا, اس کے مقابل میں کہتے ہیں وہ مذہب اہل الاستقامتی و ادلتہم. اہل الاستقامہ کون ہے؟ اہل العلم, اصحاب الحدیث, العلماء. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ استقامت کا مطالبہ سبھی افراد سے, بالخصوص اہل علم سے. تو یہ حدیث مبارکہ لا یزال طائفۃ من امتی طائفہ, یعنی اہل العلم, اس سے جہاں ہماری قیمت معلوم ہوتی ہے وہیں پر ہماری ذمہ داری بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن دھیان دیجئے گا, لا یزال طائفۃ من امتی, یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جسے اہل علم کہتے ہیں کہ من باب الاخبار, یعنی من الامور الکونیہ. کیا مطلب من باب الاخبار؟ یعنی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی دی, وہ ہوگی. اب ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں سوتا رہا ہوں, آپ بھی سوتے رہیں, پوری امت سوتی رہے, وہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا ایک جماعت باقی رہے گی, وہ باقی رہے گی ہی. وہ ایسا نہیں, وہ اخبار ہے اور وہ ایک مطالبہ ہے اس میں کہ ایک جماعت کھڑی رہے, اس میں قائم رہے. آپ سوئیں گے تو دوسرے کو کھڑا کرے گا رب العالمین, اور اس سے مطالبہ کرے گا اور اس مطالبے کو پورا کرے گا باذن اللہ, اور وہ قائم رہے گا اس پہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا آیت التطہیر, اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی تطہیر کی نا, کیا مطلب ہے؟ اب وہ کچھ بھی کریں وہ پاک ہیں؟ نہیں, مطالبہ ہے ان سے کہ قائم رہیں اس پر, نہیں رہیں گے تو کافر ہو جائیں گے وہ. جیسے عام آدمی کافر ہوتا ہے, جیسے عام آدمی مرتد ہوتا ہے, جیسے عام آدمی عاصی اور نافرمان ہوتا ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ جی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے اعلم الناس کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام, اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خاص کر اعلم الناس ہیں. انبیاء میں بھی اللہ کی معرفت, یعنی اللہ کی معرفت سب سے زیادہ کس کو ہے؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے سورۃ الانعام میں, وامرت ان اکون اول من اسلم, کہ اللہ کی بات آئے تو پہل میں کروں, میں قبول کروں اس کو. وامرت ان اکون اول من اسلم, یعنی اللہ نے جو بھی مجھ سے کہا سب سے پہلے قبول کرنے والا میں ہو جاؤں. اس آیت کریمہ کی وسعت میں اہل علم الاستقامہ کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں الاستقامہ بھی ہے, یعنی استقامت کا مطالبہ بھی سب سے پہلے آپ کو ہے, سب سے پہلے آپ قبول کیجئے, یہ مطلب ہے اس کا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں بیان فرمایا فاستقم کما امرت, کسے کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے کسے کہا جا رہا ہے؟ فاستقم کما امرت, سب سے پہلے تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاستمسک بالذی اوحی الیک, فاستمسک بالذی اوحی الیک, استمساک, یعنی آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے آپ اسے تھام کے رکھیں, یعنی آپ میں تزلزل نہیں ہونا, آپ میں بے ثباتی نہیں ہونا, آپ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے میں آپ کو اولیت حاصل ہو, اس میں بھی آپ نمونہ ہو. یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تعجب کریں گے, آپ معاشرے میں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے 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 گھروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں عمر سے پہلے بوڑھے نظر آتے ہیں, آدمی کے بال پکنے لگتے ہیں, اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں, کبھی پانی کی وجہ سے, کبھی کھانے کی وجہ سے, کبھی کسی فکر کی وجہ سے, کبھی کچھ بڑی مسئولیت کی وجہ سے, متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے سب سے مضبوط، عقل کے اعتبار سے سب سے مضبوط، حسن و جمال میں بحیثت رجل، ایک رجولیت جو ہوتی ہے ایک مرد کی، اس میں آپ کامل، غذا آپ کی بھلے ہی سیدھی سادھی لیکن عمدہ اور نفیس، ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں سفیدی، یہ قابل تعجب بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ایک بات آتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابواب التفسیر کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ کے بال میں مطلب تھوڑے تھوڑے سفید ہو جا رہے ہیں، یعنی یہ اس کو آپ عام بات نہ سمجھیں، یہ پوچھنے والے کون ہیں، یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر میں اللہ کے رسول سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں 2 سال، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر جب دونوں اللہ کے رسول اور یہ دونوں آ رہے تھے تو عمر میں بڑے کون نظر آ رہے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بال آپ کے سفید ہو گئے تھے اللہ کے رسول کے مقابل، جبکہ تعجب ان پر ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں قد شبت، یہ تعجب کی بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک بات، اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت، کہا کہ ان سورتوں نے، سورة ہود، سورة المرسلات، سورة الواقعہ، سورة التکویر اور سورة النبا، ان سورتوں نے شیبتنی، مجھے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ اس حدیث کو رکھ کر کے میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات، اس حدیث کی سند سے متعلق، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابواب التفسیر میں لانے کے بعد سورۃ ہود کی تفسیر میں کہا کہ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس لا نعرفه الا من ھذا الوجہ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہا تو حسن ہے لیکن آپ کے کل قول سے اس کی صحت پر بے اطمینانی ظاہر ہوتی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی۔ اصل میں اس حدیث میں ایک علت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ حدیث موصول ہے کہ مرسل ہے، حدیث موصول ہے یا مرسل ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نیچے، امام ابو الحسن علی ابن عمر الدارقطنی رحمہ اللہ عالم اسلام کی چوٹی کی شخصیات میں سے ہیں، ان کی کتاب العلل آپ اس کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں جو احادیث معلوم ہے نا امام دارقطنی کے پاس رحمہ اللہ، اسے انہوں نے صحابی کے نام پر ترتیب دی ہیں، ابو بکر سے مروی، جو مرویات جو ہیں، پھر اس کے بعد عمر سے، پھر اس کے بعد عثمان سے، پھر اس کے بعد علی سے، پھر اس کے بعد زبیر بن العوام سے، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص سے، اس طرح سے رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، سب سے پہلے عمر بن خطاب کی جو ان سے مرویات ہیں ان کو نقل کرتے ہیں، پھر عثمان بن عفان کی عن ابی بکر، پھر علی عن ابی بکر، اس طرح سے۔ تو اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ابوبکر صدیق سے روایت لائے ہیں ان کو آپ نے درج کیا ہے، اور بہت مفصل لکھا ہے، حدیث نمبر 17 آپ دیکھ لیجیے، بہت مفصل لکھا ہے، تقریباً 7-8 صفحے، اور بے حد دقیق کلام ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی صحت پر عدم اطمینانی کا اظہار کیا ہے، اور اس کو گویا کہ مسترب بتایا ہے، آپ کو مسترب کی قسم لائے ہیں۔ اس کی ایک واضح بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو النکت علی ابن الصلاح ہے نا، علی مقدم ابن الصلاح، اس میں المسترب کا جو مبحث ہے اس کو سمجھانے کے بعد ایک واضح مثال اس کے لیے کون سی ہو سکتی ہے، ایک موضوع مثال اس کے لیے اسی حدیث کو لائے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور گویا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو معلول ہی قرار دیے ہیں، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی تائید کی ہے آپ نے، لیکن شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 2 جلد ہے، حدیث نمبر 955 ہے، صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، 955 حدیث نمبر ہے،
दूसरी जिल्द ही में आएगी वो। तो शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस मुबारका का मुफस्सल दिरासा किया, और मैं उस तफसील भी नहीं जा सकता हूं, लेकिन बहैसियत तालिब इल्म मुझे आज नहीं, मैंने तकरीबन 2013 में इस पर मुफस्सल पढ़ा था, मैंने कुछ लिखा भी था, तो मैं बड़े यकीन से कह रहा हूं कि जो है मतलब ये हदीस हसन दर्जे की है, काबिल एहतजाज है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह का आप कलाम पढ़ेंगे तो उसमें जो इश्तबा हुआ था अबू हातिम अर्राज़ी रहमतुल्लाह को, यानी जिस नुक्ते नजर से शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने उसका मुफस्सल दिरासा किया है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इत्मीनान होगा इंशाअल्लाह उसूल की रोशनी में बिज़्निल्लाहि ताला। क्योंकि शेख अल्बानी के सामने सारी दिरासात हैं जो साबिका दिरासात हैं आपने सामने रखा और आपने इस हदीस को हसन करार दिया है। तो ये हदीस की सेहत से मुतालिक मुझे आपको बताना था, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात काबिल गौर, अल्लाह के रसूल से जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु कद शिबता, आपके बाल सफेद हो गए हैं, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैयबतनी, हाँ मुझे सफेद कर दी है किन चीजों ने, आपने इन पांच सूरतों के नाम लिया। आपने पांच सूरतों में वो क्या पैगाम है, कौन सी बात है उन पांच सूरतों में, यकीनन कोई मुश्तरका बात होगी इन पांच सूरतों में या इससे मिलती जुलती कुछ और सूरतें, जैसे मुसनब अब्दुल रज़ाक में सूरतुल क़ियामा का भी जिक्र है, लेकिन वो सनदन ज़ईफ है मुरसल होने की वजह से। लेकिन इसमें जो सूरतों के नाम लिए गए हैं उसमें क्या बात है, कौन सा पैगाम है, इन पांच सूरतों में मुतादित बातें हैं, अंबिया के किस्से हैं, मुजरिमों को अल्लाह ताला कैसे हिलाक करते हैं उसका जिक्र है, मुसलमानों को किसी भी पोजीशन में चाहे गैर मुस्लिमीन की तरफ से दीन के नाम पर तकलीफ हो, चाहे एक मुसलमान को उसकी निजी जिंदगी घर में उसकी बीवी बच्चों से तकलीफ हो, या उसकी सेहत और मर्ज के लिए एक मसला हो, उसकी आमदनी के लिए एक मसला हो, और किसी भी सूरत में कोई भी मामला आ सकता है एक मोमिन की जिंदगी में, उसमें खड़े उतरना, सबात कदमी का मुजाहरा करना, अल्लाह पर हुस्न-ए-ज़न रखना, अल्लाह के वादों पर यकीन रखना, ये भी उसमें कहा गया है। तो कौन सी बात है इसके अंदर, किस बात ने अल्लाह के रसूल को इस तरह का मामला करके रखा है अलैहिस्सलाम। इस मामले में बात वाज़ह है कि इन सूरतों के सभी पैगाम, लेकिन बास तफासिर में एक बात यह मिलती है कि सूरत हूद की एक आयत करीमा है फस्तकिम कमा उमिर्त, इस आयत करीमा ने अल्लाह के रसूल को बूढ़ा कर दिया है सबात कदमी का मुतालबा ने, लेकिन यह सनदन साबित नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा के हवाले से तफासिर में एक कौल मिलता है आपको बगैर सनद के, मैंने अपनी ताकत के बकदर सारी तफासिर की किताबें जो मेरे पास मौजूद हैं, और मैं बात सिर्फ किताबी शक्ल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अशामिला की मदद से भी मैंने ढूंढ ढूंढ लिया, मैंने बहुत कोशिश कर दिया, ये कौल मुझे कभी कहीं भी मुझे सनद नहीं मिला कि इसकी सनद हम चेक कर सकें, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास के नाम पर ये असर मिलता है कि मा नज़लत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जमीउल कुरान आयतुन कानत अशद वला अशक अलैहि इल्ला मिन हाज़िहिल आया। कि ये जो फस्तकिम कमा उमिर्त, आपको जैसे कहा गया, जो बात आपको बताई गई, आप दीन पर साबित कदम रहे। ये जो सूरत हूद की आयत है, कहा कि कुरान मजीद में इससे ज्यादा सख्त और इससे ज्यादा कठिन जो अल्लाह के रसूल पर शाख गुजरे कोई और आयत नाजिल नहीं हुई। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक असर मिलता है रजी अल्लाह अनुमा, लेकिन इसकी सनद मैंने कहा ना कहीं नहीं मिल सकी मुझे इसकी सनद। हालांकि अबू अब्दुल्ला अल-क़ुर्तुबी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में नकल किया है इसको, उसकी सनद ही नहीं। हत्ता कि इमाम मुहयुद्दीन अन्नववी रहमतुल्लाह ने भी अल-मिनहाज में लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मा इस हदीस की शरह में आपने इस कौल को नकल किया है, लेकिन आपने इस पर कुछ भी नहीं लिखा है कि सनदन साबित है कि नहीं साबित है, लेकिन इसकी सनद मुझे ज़ाती तौर पर कहीं नहीं मिल सकी। तो ये कहना भी सही नहीं इस वजह से भी कि एक तो ये बगैर सनद के कौल मिलता है, दूसरी बात इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने सिर्फ सूरह हूद का नाम नहीं लिया, आपने सूरतुल नबा का भी नाम लिया, आपने सूरत कुबीरत का भी नाम लिया, आपने तकबीर का भी नाम लिया, आपने शम्स कुबीरत सूरत मुरसलात का भी नाम लिया आपने। तो इसमें सिर्फ सूरत हूद की आयत से क्या मुराद है, जबकि बगैर सनद की बात घूम रही। इमाम अबू बकर अल बैहकी रहमतुल्लाह की जो अल जामिउ ले शुआबिल ईमान जो किताब है आप रखी हुई देखिए, आप उसमें
जो जो ईमान के जो शोबे उन्होंने बयान किए ना, उस हदीस को सामने रखकर के 70 शोबे जो ईमान के बताए गए हैं, उनमें से 19वां शोबा, 19वां हिस्सा ताज़ीमुल कुरान से मुताल्लिक है और बहुत ही उम्दा ताज़ीमुल कुरान। उसमें कुरान की सूरतों के फजाइल से मुताल्लिक भी एक बाब मुस्तकिल उन्होंने कायम किया। सूरत हूद की फजीलत बयान करते हुए उन्होंने एक वाकया दर्ज किया। वो वाकया क्या है? इमाम बैहकी रहमतुल्लाह ने इसको अपनी सनद से इस वाकये को नकल किया है। उनके एक उस्ताज हैं अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, नाम सुना होगा आपने। देखिए, अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी दो हैं, एक वो हैं जो कुतुब सिता के रुवात में से हैं, किबार ताबईन में से हैं, अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, अब्दुल्ला नाम है उनका, अब्दुल्लाह इब्न हबीब इब्न रबिया, हबीब इब्न रबिया वो तो सहाबी कुतुब सिता के रिजाल में से, किबार ताबईन में से, 74 हिजरी सन वफात है उनका, और वो भी अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी अल-मुक्री मारूफ कारी अली बिन अबी तालिब के तलामीज़ा में से, वो मुराद नहीं। ये अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी हैं जिनका सन वफात 412 हिजरी है और ये सूफिया के मशाइख में शुमार किए जाते हैं। बल्कि इमाम ज़ाहिबी रहमतुल्लाह ने सीर आलमी नुबला में लिखा, कान यज़ाउ अल हदीस लिस्सूफिया, वो सूफिया के लिए उनकी तकवियत के लिए अहादीस गढ़ा करते थे। ये वो शख्स है। इनकी तफसीर से मुताल्लिक तो खूब जरा की है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने, शेखुल इस्लाम। ये वो जो अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी की बात कर रहा है, इनका नाम है मोहम्मद बिन हुसैन। ये साहब कहते हैं, इनके जो एक उस्ताद हैं उनका नाम है मोहम्मद इब्न उमर अबू अली अशबवी या अशुबवी, 380 हिजरी सन वफात है उनका, सही बुखारी पढ़ाया करते थे जमाने तक, वो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं, जो सही बुखारी की रवायत में मारूफ आदमी है अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह। तो ये जो इब्न शुबवी हैं वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, गौर कीजिए आप, मैंने ख्वाब में देखा, देख रहे हैं आप, मैंने ख्वाब में देखा किसको? अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीर आलमी नुबला में भी ये वाक़या दर्ज है और इमाम ज़ाहिबी रहमतुल्लाह ने इनका सवाने हयात लिखते हुए कहा कि ये वही शख्स जिन्होंने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखकर के बात बताई। इब्न शुबवी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा और मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये जो आपके बाल सफेद हो गए हैं, क्या वजह क्या उसकी? मन लदी शयबत, क्या चीज़ है आप जिसने आपको, मतलब ये जो जो बूढ़ा कर दिया आपको? कससुल अंबिया वो हलाकुल उमम, सूरत हूद में जो अंबिया के किस्से हैं, जो जो मुजरिमों को हिलाक करने की जो खबर दी गई है, उन चीज़ों ने आपको बूढ़ा कर दी? अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, वो सब नहीं, बल्कि अल्लाह का वो कौल फस्तकिम कमा उमिरत, इस कौल ने। मैं आपको यहां बताता हूं कि उस हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल ने सूरह हूद के साथ मजीद 4 सूरतों के नाम लिए, लेकिन सूरत हूद में यही आयत करीमा फस्तकिम कमा उमिर थी ने आपके बाल को सफेद कर दी है, आपको इतना फिक्रमंद बना दी है। अगर यही आयत करीमा है तो उसके लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल ही काफी है, भले ही बगैर सनद के, क्योंकि वह हदीस के रावी भी हैं, वही तो हदीस बयान कर रहे हैं ना। जब हमने हदीस को बयान करने वाले इब्न अब्बास के कौल को रद्द कर दिया बगैर सनद के होने की वजह से, तो ये एक ख्वाब की हैसियत क्या रखती है बताइए आप? ख्वाब कैसे हम नकल करें इस आयत करीमा की तफसीर के लिए? समझ रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल मर्दूद है ये वाकया। ख्वाब मनामात कैसे दीन का हिस्सा बन सकते हैं? इब्न अब्बास का कौल जो है बगैर सनद के होने की वजह से वो हैसियत नहीं रखता है, तो फिर ये मनामात, ये ख्वाब का हिस्सा, क्या हैसियत रखता है? बहरहाल अल्लाह के रसूल को खुसूसी तवज्जो दी गई कि आप सबात खदमी का मुजाहरा करें। अगर आप देखें, अल्लाह के रसूल ने कहा शैयबतनी हूदुन, हूद सूरे हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिए। इस सूरे के इख्तिताम में अल्लाह के रसूल को यह भी तो कहा गया वकुल्लन नकुस्सु अलैक मिन अंबाइर रुसुल, उसके बाद मानुसब्बितु बिही फुआदक, आपको मजबूत करने के लिए, ताकि आप सबात खदमी का मुजाहरा कर सकें। इसलिए ये भी तो बात है फस्तकिम कमा उमिरत के साथ। तो बहरहाल सभी मौजूआत अल्लाह के रसूल के लिए काम की हूं, तो अल्लाह के रसूल को खुसूसी तौर पर कहा गया इस मामले को। और मैंने एक चीज गौर किया कि ये मैंने अपनी तरफ इसलिए निस्बत कर रहा हूं कि किसी का कौल नहीं, हक ये था कि हम किसी का कौल बयान करें तो उनकी तरफ निस्बत दें, इल्मी अमानत का तकाजा है। अल्लाह के रसूल को जो कहा गया ना सूरतुल अहकाफ के आखिर में, फसबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, अंबिया अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी तादाद में हैं अंबिया और रसूल,
उनमें से पांच जो उलुल अज़्म हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये चार, और एक तो खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल को सब्र और सबात खदमी, सब्र से मुराद पिटने का नाम नहीं, मजलूम बनने का नाम नहीं, अल्लाह के वादों पर यकीन रख करके मैदान में खड़े उतरने का नाम है। जब अल्लाह के रसूल को सब्र और सबात खदमी की दावत दी गई, अपील की गई, मुतालबा किया गया, तो कहा कि फसबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिन रसूल। यानी सुभान अल्लाह, मैंने इस सिलसिले में काफी नाहियों से गौर किया, काफी पहलुओं से गौर किया। मैंने ये देखा कि सही मुस्लिम की जो हदीस है ना, हदीस अबी हुरैरा सही मुस्लिम की किताबुल फजाइल में, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना सय्यदु वलदि आदम यौमल क़ियामा, मैं आदम के औलाद का सरदार हूं। आदम के औलाद का, यानी बनी आदम के सरदार कौन है? अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जब सरदार हैं बनी आदम की, तो आपका ज़ौक, आपका मामला, आपका मेयार भी सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे ऊंचा होना चाहिए। फसबिर कमा सबर उलुल अज़्म, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जैसे हम किसी तालिबे इल्म को कहते हैं, एक क्लास में 20 तलबा हों और सबसे आखिरी 20 नंबर का जो तालिबे इल्म है, हम उसको कहते हैं उस तालिबे इल्म का नाम लेकर के जिसका नाम 15वें नंबर पर है, उसके जैसे बनो, उसकी जैसे मेहनत करो, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा तालिबे इल्म है जो मिजाज में, मेयार में, अखलाक में, शाइस्तगी में, तहजीब में, सोच में आला और अरफा है, उससे कहेंगे कि पहले नंबर का लेकर के आप उसको नमूना बनाइए, है कि नहीं बताइए, है कि नहीं बताइए, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल का मकाम मर्तबे का लिहाज करते हुए कहा गया कि आपको यहां नहीं, आपको अंबिया अलैहिस्सलाम तो है ही, सब तफाजुल है उसमें, तिलका रुसुल फज़लना बादहुम अला बाद, फजीलत एक दूसरे पे, लेकिन आपको कहा गया उलुल अज़्म, उलुल अज़्म उनको नमूना बनाइए, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हालांकि अल्लाह के रसूल से यह भी कहा गया, जैसे कि सूरतुल कलम में है, फसबिर लिहुक्म रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत, वला तकुन कसाहिबिल हूत, वो भी कहा गया अल्लाह के रसूल से। यूनुस अलैहिस्सलाम से जहां कायम रहना चाहिए था, आपसे अल्लाह का हुक्म आने से पहले आप वहां निकल करके चले गए, कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सबात खदमी का मुजाहरा करना चाहिए। आखिरी बात मेरे दर्स से मुताल्लिक, आखिरी बात वो ये है कि सूरत ताहा में उसके बिल्कुल अवाखिर में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। आमतुन नास पे बहुत काम करने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग साहबे इल्म है इसलिए बता रहा हूं। आमतुन नास देखिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरतुल बकरा में भी है, सूरतुल आराफ में भी है, सूरतुल कहफ के वस्त में भी है, सूरतुल सात के अवाखिर में भी है, सूरतुल हिज्र के शुरू में भी है। सिर्फ क्या हम यही बताएंगे कि यहां आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं? आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को वहां बयान करने में वहां कौन सी बात बतानी मकसूद है, वहां कौन सी बात, वहां कौन सी बात? नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुतअद्दिद जगहों पर है, यहां ये फिक जरूरी है, ये मालूमात जरूरी है। आप ऐसे बताएंगे तो फिर उस किस्से की इफादियत मालूम होती, फिर कुरान का, अल्लाह का कलाम होना, उसकी अजमत, ये इल्मी एतबार से आदमी मानेगा इसको, समझेगा इसको। तो सूरह ताहा में उसके अवाखिर में अल्लाह तआला ने कहा वलकद अहदना इला आदम मिन क़ब्लु, वलकद अहदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजीद लहु अज़्मा। यानी हमने आदम अलैहिस्सलाम से एक मुआदा किया, एक बात, एक मिसाक थी, एक मुआदा था कि आप उस दरख्त के करीब नहीं जाएंगे, लेकिन फनसिया, फनसिया आप भूल गया। ये आयत करीमा नाज़िल क्यों की गई? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तंबीह की जा रही है कि आपसे ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, आप सबात खदमी का मुजाहरा करें। समझ रहे इस बात को? लेकिन सियाक से अगर देखा जाए, इस आयत करीमा को वलकद अहदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया वलम नजीद लहु अज़्मा, इस आयत को जब हम पीछे से पढ़ते हुए आते हैं तो उसका क्या ताल्लुक क्या बनता है इससे? इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं वला तअजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयू, हैना, वला तअजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयू वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। जब आप पर वही नाजिल होती है तो आप पहले सुन लिया कीजिए, आप उजलत से काम ना लें, जल्दी ना करें, आपको भूलने का खौफ है ना, आप बेफिक्र रहे हैं, आपके दिल में जमाना, उसको कायम रखना, वो हमारा काम है। तो अल्लाह के इब्न जरीर का मैंने नाम लिया ना, नहीं इब्न आतिया, काजी इब्न आतिया रहमहुल्लाह अल मुहर्रर अल वजीज में फी तफसीर अल किताब अल अजीज, उसमें आपने लिखा कि अल्लाह के रसूल को कहा गया कि वला ताअजल बिल कुरान,
आपसे कहा गया ना आप इस पे सबात अदबे का मुजाहरा करना, आपसे मजीद ये चूक ये मामला दोबारा नहीं होना आपसे। वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वहयु, हमने आदम से भी एक बात का मुआहदा किया था लेकिन वो उस पर एक जमाने के बाद कायम नहीं रह पाए, फनसिया, लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आप सबात अदबे का मुजाहरा करें, समझे इस बात को आप। ये इब्न अतिया ने कहा, कादी शौकानी अबू अब्दुल्ला अल-क़ुर्तुबी ने भी इस बात को नकल करके कुछ कहा तो नहीं लेकिन लगता है कि इनका मैलान इसी तरफ है, लेकिन इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने एक बात कही, वो ये है कि पिछली आयात में कुफार से मुतालिक बात कही जा रही है कि कुफार अल्लाह सुबहान व तआला से अलस्तु बिरब्बिकुम वाला तो वादा था लेकिन एक जमाने के बाद वो भूल गए जब उनको दुनिया भेजा गया, उस पर साबित कदम नहीं रह सके, ऐ अल्लाह के रसूल आप ऐसा ना करें। वलकद अहदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया वलम नजिद लहु अज़्मा, इब्न आदम भूल गए, आदम तो भूल गए लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आप सबात कदमी का मुजाहरा करें, ये इब्न जरीर अत-तबरी ने कहा। लेकिन इब्न अतिया रहमतुल्लाह ने रद्द किया इस बात पर और कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि वो कुफार के आप बराबर कर दिया आदम को, कुफार तो अल्लाह की इताअत पर नहीं खड़े उतरे तो आदम भी उनके लिए मिसाल हैं क्या, उनके बराबर हैं क्या वो कि अल्लाह के रसूल को कुफार की तरह आदम का नाम लेके कहा जा रहा है कि आप इनकी तरह ना बने। लेकिन इब्न जरीर का मकसूद वो नहीं है रहमतुल्लाह, मकसूद यह है कि इब्न आदम का जो खून है, आदम की जो तबीयत है, आदम की जो फितरत है, वो उनकी उनके आल औलाद में भी है, वो ये है कि वो अल्लाह की इताअत में एक जमाने के बाद कहीं चूक होती है, कहीं हल्कापन आता है, कहीं वो सबात खदमी में तजलजुल आता है, आदम अलैहिस्सलाम से भी हुआ वो बहज़त बशर, आपसे ऐसा नहीं होना। लेकिन आदम का किस्सा वो उसी वक्त मौजू होगा जब आदमी तौबा भी कर ले, क्योंकि आदम ने तौबा की, आदम खड़े उतरे, और आमतौर पर कुफार उस पर कायम नहीं रहते हैं, तौबा नहीं करते हैं, उसी पर मुसिर रहते हैं। बहरहाल एक दकीक बात है, ये एक दकीक बात है, इसको समझने की जरूरत है। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि यानी सुभान अल्लाह किस तरह से सबात कदमी की मतलब इशारात मिलते हैं हिंदी के आपको नुसूस से, सुभान अल्लाह अज़ीम। तो मैं आज जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि लोगों ने जो इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम जो फैला है उसके मुतअद्दिद असबाब हैं, उसमें से एक सबब हमारी सबात कदमी भी है बिइज़्निल्लाह तआला, और खासकर अहले इल्म की सबात कदमी बहुत माना रखती है और अल्लाह ने खुसूसन इनसे मुतालबा किया है, इसीलिए मैंने एक तमहीद के तौर पर पूरी नशिस्त आज इसी पर कायम रखी। अब मैं कुछ बातें इंशाल्लाह आने वाले दरस में रखूंगा कि हमारी सबात कदमी कैसे किसी के कबूल इस्लाम का जरिया बनी है, वो बात मैं आपको आने वाली नशिस्त में इंशाल्लाह आने वाले चार शुमा नहीं बिज़्निल्लाह ताला उसके बाद वाले चार शुमा में आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला जिसने हमें शरीयत के इल्म से नवाजा है, अल्लाह ने हमें शरीयत की फिक्र दी है, अल्लाह ताला इस अजीम मर्तबत जो 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 दर्जा हमें अता किया है, अल्लाह ताला इसका जो लाजमी तकाजा है सबात खदमी का उस पर हमें कायम रखें। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।